सफ़ेद कलर की जो फूल गोभी है उसका जो सही मूल्य है या फिर सही जो रेट है वो करीबन 1 या 2% जो फार्मर है वो ही ले पाते हैं। अधिकांश जो फार्मर होते हैं उनको लेबर का जो खर्चा है फूल गोभी तोड़ने के लिए अपनी पॉकेट में से देना पड़ता है, यानी कि फूल गोभी के अंदर इतनी इनकम उनको नहीं पड़ती, घाटा उनको अक्सर लग जाता है। आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे कि बहुत से जो फार्मर है वो अपने खेत के अंदर ही फूल गोभी को जो है रोटावेटर से या फिर हैरो द्वारा अपने खेत के अंदर ही मिला देते हैं, क्योंकि अगर वो मंडी के अंदर लेके जाते हैं तो फ़ायदे के बजाय उन्हें घाटा जो है वो सहन करना पड़ता है। किसान साथियों, आप ये जो खेत देख रहे हो ये अपने फार्मर का नाम है विनोद कुमार, गांव है संगा, रतिया, हरियाणा। इन्होंने अभी आज जैसे वह 5 मार्च 2021 है तो फिलहाल ही ये जो अपनी संतरी कलर वाली गोभी है या फिर जो जामुनी रंग वाली जो गोभी है उनको अगर ये मार्केट के अंदर लेके जाते हैं तो इन्होंने बताया कि मेरे को आसानी से 14 या जो 15 रुपये हैं वो मिल जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो गोभी है वो मंडी में ना लेके जाऊँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आसपास के रेहड़ी वाले हैं या फिर जो दुकानदार है वो बोल देते हैं कि हमारे हमको 10 किलो दे जाना या फिर 15 किलो दे जाना। किसान साथियों, अगर मैं कोशिश करूँ कि आप भी जो है वो एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ अपनाएं ताकि आप लोगों को फ़ायदा ना लगे, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे एकड़ के अंदर ही ये जो संतरी है या फिर ये जो जामुनी कलर की गोभी है वो लगाएं। आप एक काम कर सकते हो कि कुछ हिस्से के अंदर सफ़ेद कलर वाली गोभी लगा लो, कुछ हिस्से के अंदर अपनी जामुनी रंग वाली लगा लो और कुछ हिस्से के अंदर आप जो संतरी कलर वाली गोभी है वो लगा सकते हो। एक फर्दर अगर मैं बंद गोभी की बात करूँ तो लाल रंग वाली भी बंद गोभी आती है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हो। ये अपने यहाँ के लिए अनुकूल है, आसानी से हो जाती है, इसके लिए ना कोई अलग से कोई खाद है ना कोई स्प्रे है, अपनी जो सिंपल सफ़ेद कलर की जो गोभी होती है जिसको ट्रेडिंग में आप चलाते हैं उसी तरह से आप इसे लगा सकते हो। इसके लिए कोई भी अलग से जो खर्चा है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं ऑरेंज कलर की जो फूल गोभी उसकी बात करूँ तो इसके अंदर जो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है बीटा कैरोटीना वो पाया जाता है, और जो अपनी पर्पल कलर वाली है उसके अंदर पाया जाता है अपना एंथोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है जो कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, और अपनी जो रेड कैबेज आती है यानी कि लाल रंग की जो बंद गोभी है उसके अंदर भी जो पिगमेंट पाया जाता है वो भी अपना एंथोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथियों।